हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड, रेलवे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि फ्रेंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आगे के एग्जाम में रिपीट होते रहता है। इसी की वजह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इसका सही आंसर होगा गोल्ड कोस्ट। फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पत्ती से उपजते हैं, तो इसका सही आंसर है गन्ना, आलू और केला। मैगडलेना नदी दक्षिण दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर बहती है, तो एक कोलंबिया देश से होकर बहती है। निम्न में से किस वैज्ञानिकों ने स्थिर अनुपात का नियम दिया, तो जोसेफ प्रास्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिए थे। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खाटा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। रिपीट क्वेश्चन था फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ऑर्थोपोडा जो है जंतु का सबसे बड़ा समूह होता है। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसी की वजह से। 2017 की संतोष ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती थी, जिसका फाइनल बम्बोलिया गोवा में आयोजित किया गया था, तो इसको फाइनल में जीता गया था पश्चिम बंगाल द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, जिन्होंने जनवरी 2018 में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। ओम प्रकाश रावत। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो ए 98 केल्विन होता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तब। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे, साइनोबैक्टीरिया, इसका सही आंसर होगा। कोयर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है, कोचीन में कोयर बोर्ड का मुख्यालय है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटती होती है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड दहन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, तो नीले निटमस को लाल में परिवर्तित क्षार नहीं करता है, ये अम्ल द्वारा होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। यूएसए इतिहास के वह एकमात्र कौन है, जिन्होंने आज तक दो बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है, तो ग्रोवर क्लीवलैंड। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है फ्रेंड तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। एक क्वेश्चन फ्रेंड रीजनिंग का है, राष्ट्र जो है इतिहास से संबंधित है, तो व्यक्ति किससे संबंधित है, तो व्यक्ति जीवनी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है निकेल। 2017 में प्रकाशित पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है, अमिश त्रिपाठी। एजी प्लस और सीएल माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है, मक्खन का खट्टा होना। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है,
तो 18वें समूह में नोबेल गैस को रखा गया है। एक तत्व किस अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है? एक डुप्लेट या ऑक्टेट अवस्था में आने पर वह स्थिरता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली चूना किसे बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? अस्केल चूना को बनाने के लिए काली चूना प्रक्रिया करता है पानी के साथ। 2016 की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म उल्टा पंजाब निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पंजाब में नशीले पदार्थ का दुरुपयोग, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में एक घटना होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका का फैक्ट्री कहा जाता है। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो न्यूलाइन द्वारा यह खोजा गया था। तो चलिए फ्रेंड, यहीं पे जो क्वेश्चन था समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।